आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम विदेही देवी कल्याणम विदेही परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि। अपने भीतर के काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार को कम करना, अपने अवगुणों को कम करना ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा। ये कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन इनकी मात्रा कम की जा सकती है। और आपकी कोई भी बात चलती है पीठ पीछे तो घबराने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात हो। आज 18/5/2018 शुक्रवार है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है मृगशिरा, सुबह 8:24 तक। उसके बाद आराद्रा नक्षत्र देर रात्रि तक। आज है विनायक चतुर्थी। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं: सुबह 7:44 से लेकर सुबह 9:21 तक है लाभ, सुबह 9:21 से लेकर सुबह 10:58 तक है अमृत, दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 2:12 तक है शुभ। जिसके पास धीरज है, धैर्य है, वो जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी की सफलता का आनंद लेना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरे साथ शेयर कीजिए ये सुबह। आइए जानते हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा मिथुन राशि में है अहोरात्र, लेकिन आज हम जानेंगे कि आपको कौन सा कार्य करना पसंद है। मेष राशि, आप नहीं चाहते नौकरी पेशा बनना, आप चाहते हैं कोई बिजनेस करना, लकड़ी लोहा ऑयल या कोई काली चीज या फिल्म लाइन से रिलेटेड जो काले पर्दे पर दिखाई देता है। वृषभ राशि, आप चाहते हैं कोई जज वकील होना, कोई ऐसा बिजनेस करना जो शनि से रिलेटेड हो, जो काली चीजों के व्यवसाय में लिप्त हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोल पंप का काम हो, चाहे कोई और हो। मिथुन राशि, आप चाहते हैं कि आप आर्टिस्ट बने, आपका परचम लहराए, आप टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप काउंसलर कंसल्टेशन करने वाले भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। कर्क राशि, आप किसी नौकरी पेशा पर खूब पदोन्नति पा सकते हैं, आपका खूब नाम हो सकता है, आप कोई भी ऐसा काम जो मिलिट्री से रिलेटेड है वो भी कर सकते हैं, आप किसी ऐसे जगह पर काम कर सकते हैं जो बहुत ही डोमिनेटिंग हो, जैसे किसी कंपनी का बॉस बनना, तो आपको बनाए तो बेहतर बॉस बनेंगे आप। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लिए कार्य होते हैं जैसे वकील, जज बनना, इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं और आप चाहते हैं आर्ट में प्रवेश करना, साथ ही साथ आप जो चाहते हैं नौकरी वो आपको नहीं मिलती, इसलिए आप हमेशा ऐसा कोई व्यवसाय चाहते हैं जैसे आप पेंटिंग्स वगैरह या कपड़े वगैरह का बिजनेस भी कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आप द्विस्वभाव के होते हैं, टेक्निकल होते हैं, अगर आप कोई खरीदो फरोख्त या आप कोई ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड व्यवहार और उसमें काम करना चाहें, इंटरनेट बिजनेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको बेसिकली बिजनेस अच्छा लगता है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य, आपका फ्यूचर तय कर देता है, सोचिए इसकी गहराई तक जाइए और जानिए। आइए जानते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का कुछ इस प्रकार से राशि भविष्य के आपको कौन सा कार्य सूट करता है। तुला राशि, आप कोई ट्रेडिंग करना चाहेंगे या कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, जो व्यवहार पैसों से रिलेटेड होते हैं वो, या आप चाहेंगे समुद्र हो कहीं किसी जगह पर तो सेलिंग वगैरह या नौसेना में जाना वो आपको पसंद हो। वृश्चिक राशि, आप कोई नौकरी पेशा ओहदा लेना चाहेंगे, आप सरकारी दरबारी काम करना चाहेंगे, आप कोई नेता अभिनेता बन सकते हैं। धनु राशि, आप हैं व्यवसायी, आप बेसिकली बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो, बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो तो आपको सूझेगा कोई इंटरनेट व्यवसाय भी। मकर राशि, आप वकील बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लिप्त हो, कुछ ऐसा व्यवहार जो आर्ट से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ ही आप ट्रेडिंग
थ्रेडिंग कर सकते हैं कुछ ऐसे कपड़ों वगैरह की जिसमें बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक काम हो। कुंभ राशि, आप किसी ओहदे पर नौकरी करना चाहेंगे और वहां पर जुड़े रहेंगे, आपका नाम होगा उस नौकरी में, आपकी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आपका मन लगेगा वहां, लेकिन फिर भी आपका मन ये भी रहेगा कि आप आर्ट का व्यवसाय भी करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए आप कोई ज्वेलरी से रिलेटेड, सोने से रिलेटेड, पीली चीजों से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कुछ ऐसा व्यवसाय करना जैसे अनाज वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, इसमें ज्यादा रुचि रहेगी आपकी, आप अभिनेता नेता भी बन सकते हैं। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। और फिलहाल मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ, वो सुनिए। कपड़े आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। आप मोटे हैं, आप पतले हैं या आप लंबे हैं, आपका कद छोटा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है आपका पहनना ओढ़ना। तो चलिए लंबे लोगों के लिए पहले बात करेंगे कि कैसे कपड़े सूट करेंगे। लंबे लोगों के लिए आपको धारीदार कपड़े नहीं पहनने हैं, उससे आप ज्यादा लंबे लगेंगे, आपकी ऊंचाई ज्यादा लंबी लगेगी। कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जिसमें सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हों। आपको कोई ऐसा वस्त्र धारण करना है जो आड़ी रेखाओं वाला हो, बड़े बड़े फूल वाला हो अगर आप स्त्री हैं, या सिंपली आप कोई पेस्टल कलर्स प्लेन भी पहन सकते हैं लेकिन डार्क। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी पे फबने वाले अच्छे अच्छे कपड़े जो आपको सूट करते हैं और आपकी पर्सनालिटी को कैसे निखार देते हैं, इस विषय में फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।